Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वेलकम बैक। एक बार फिर आपको अपडेट करें, सिंध हाई कोर्ट ने साबिक वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन को 6.25 अरब रुपए के करप्शन के केस में गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। साबिक वजीर इत्तलात इस वक्त अदालत में मौजूद हैं, उन्हें गिरफ्तार अब तक नहीं किया जा सका है। शमील अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी शमील, बताइएगा अब क्या सूरत हाल है? देखिए, अभी भी वही सूरत हाल है जो गुज़श्ता 4-5 घंटों से। शर्जील मेमन की दरख्वास्त जमानत मंसूख होने के बाद अदालत ने उनकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया था, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ही नजर आ रही है। शर्जील मेमन और उनके साथ इस रेफरेंस में जो 13 मुलजमान थे वो यहाँ मौजूद है और अभी तक उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। 3 जो शरीक मुलजमान थे उनको ने अपने हिरासत में ले लिया है, लेकिन इस वक्त दीगर जो मुलजमान है शर्जील मेमन समेत वो आते अदालत में मौजूद है, जिसके बाद नैब उनकी गिरफ्तारी नहीं कर सक रही है। लेकिन इम्कान यही है कि जिस तरह अदालती वक्त खत्म होता जा रहा है, इम्कान यही कि जिस वक्त कोर्ट का ये आता है अदालत जो है तो ये भी बंद कर दिया जाएगा, तो उसके बाद मजबूरन शर्जील मेमन को बाहर आना पड़ेगा जहां उनकी गिरफ्तारी मुतवक्का है। अच्छा शमील, शरीक मुलजिम आसिम मुनीर और मंसूर राजपूत गिरफ्तार हो चुके हैं, तीसरा कौन है? जी देखिए, अहमद शहजाद भी एक मुलजिम है जिनके गिरफ्तार किए गए, जबकि इत्तला ये भी बताई गई है कि एक और मुलजिम लतीफ सारंग चांडियो जो है उनको भी हिरासत में ले लिया है नैब हुकाम ने। दीगर मुलजिमान इस वक्त भी आता है अदालत में मौजूद है। जी, यानी कि अब तक 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है? जी, हम 4 मुलजिमान की इत्तला दी है, नैब ने कहा है कि इनको गिरफ्तार किया गया है। पीपल्स पार्टी के बड़ी तादाद में कारकुनान वहाँ पर मौजूद है, रहनुमा भी है, तो कोई बदमजगी तो देखने में नहीं आ रही शमील वहाँ पर? देखिए, इस वक्त जो यहाँ तादाद कारकुनों के हवाले से इस पस मंजर में कह सकते हैं कि पीपल्स लॉयर फोरम से ताल्लुक रखने वाले की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, जबकि कुछ MPs भी यहाँ मौजूद है, लेकिन इस वक्त तक कोई ऐसी बदमजगी देखने में नहीं आई है, क्योंकि इस वक्त आता है अदालत और तोहीन अदालत का मामला जो है इसकी वजह से यहाँ इन तमाम चीज़ों को का खास ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन इस वक्त जिस तरह कि मैंने आपको बताया पहले भी कि गिरफ्तारी नहीं हुई और आते अदालत में मौजूद है शर्जील मेमन, उनके बाहर आने के बाद क्या सूरत हाल होती है इससे निपटने के लिए यहाँ रेंजर जो है वो तैनात है। ना सिर्फ ये कि आते अदालत में इनको सिक्योरिटी के लिए वो यहाँ मौजूद है किसी भी मुमकिन गड़बड़ से निपटने के लिए, बल्कि सिंध हाई कोर्ट के अतराफ में भी रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है। तो शमील, आप वहाँ पर मौजूद हैं, यकीनन काफी देर से मौजूद हैं, क्या बातें गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि शर्जील इनाम मेमन क्या सोच रहे हैं, मालूम क्या कह रहे हैं, क्योंकि गिरफ्तार तो उन्हें होना है, अब नहीं होना है, 1 घंटे बाद होना है, 2 घंटे बाद होना है, गिरफ्तार तो होना है, तो वो क्यों नहीं आ रहे? देखिए, जहाँ तक उनके कहने की बात है तब तक यही सामने आई, वो कहते हैं कि मैं डरता नहीं हूँ और मैं यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन वो गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहे इसके बारे में तजाद इतलात है कि कुछ वकला ने उनसे मशवरा दिया कि इस वक्त कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो अपनी गिरफ्तारी दें और ये यहाँ नैब के आगे सरेंडर करें। लेकिन इतलात ये भी है कि उनसे कुछ और वकला ने उनको मशवरा दिया कि वो गिरफ्तारी ना दें। गिरफ्तारी ना देने की उन्हें क्या वजूहत उनके वकला ने बताई ये सामने नहीं आ रही है, लेकिन इस वक्त तक जो मुमकिन सूरत हाल है वो उसका अंजाम जो है वो शर्जील मेमन की गिरफ्तारी तक ही हो सकता है। और जो 4 मुलजिमान गिरफ्तार हुए हैं शमील, उनको कहाँ ले जाया गया है? वो भी यही मौजूद है, शर्जील इनाम मेमन के साथ ही जाएंगे? जी देखिए, वो यहाँ मौजूद है। बुनियादी तौर पर ये रेफरेंस दायर हो चुका है, इसमें इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है और नैब जरा भी कहना है कि अगर कोई केस कोई रेफरेंस चल रहा होता है जिसमें इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी होती है तो उसमें आमतौर पर रिमांड नहीं लिया जाता, मुलजिमान को जेल कस्टडी किया जाता है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो मुलजिमान यहाँ जो दीगर हिरासत में लिया है वो मौजूद है और इम्कान ये कि जिस वक्त शर्जील मेमन के साथ दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी अगर होती है तो उनके साथ ही उनको जेल मुंतकिल किया जाएगा। जी, रिमांड नहीं लिया जाता है, जेल कस्टडी दिया जाता है। शमील अहमद, आप हमें बता रहे हैं शर्जील इनाम मेमन के हमरा उनके दीगर वकला भी मौजूद हैं, उनका क्या बताना है कि उनकी तरफ से मशवरा दिया भी जा रहा है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि वो सरेंडर कर दें और नैब हुकाम भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनका क्या कहना है अगर ये अब तक अपने आप को सरेंडर नहीं कर रहे तो नैब की जानिब से क्या एक्शन लिया जाएगा इनका अहाता या अदालत से बाहर आने के बाद? देखिए, यहाँ पे अदालत से बाहर आने के बाद नैब की सिर्फ और सिर्फ जो कानूनी हैसियत है वो यही है कि वो शर्जील मेमन और दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी डालेंगे और उनको गिरफ्तार करेंगे, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई सूरत हाल ऐसी सामने नहीं आई कि किसी और कोर्ट में कोई अपील की हो और वहाँ से कोई ऐसा मुस्बत जवाब आया हो। इस वक्त जो सिंध हाई कोर्ट का जो हुक्म था
वो बरकरार है कि मुलजमान की अबूरी जमानत मंसूख कर दी गई है और इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो लिहाजा नैब के पास वक्त यही ऑप्शन मौजूद है कि वो इनकी गिरफ्तारी डालें। जी अच्छा, हम जो फुटेज देख रहे हैं स्क्रीन पर शमील, उनको देख के लग नहीं रहा कि वो गिरफ्तारी के मूड में है, क्योंकि वही रोब और वही रौनत नजर आ रही है उनके चेहरे में भी और उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी। बहरहाल 6.25 अरब रुपए की करप्शन का केस है साबिक वजीर इत्तलात, ये बताइएगा कौन से महकमे में है, महकमे इत्तलात से है या किसी और महकमे में करप्शन की है उन्होंने? जो मामला है वो महकमे इत्तलात में है और ये इल्जाम था उन पर कि उन्हें अपने दीगर साथियों के साथ इसमें महकमे इत्तलात के इश्तहारों के बदले 6.25 अरब रुपए की करप्शन की और इस हवाले से रेफरेंस दायर भी हुआ था और शर्जील विमान उन दिनों बैरून मुल्क है। उसके बाद वकला की टीम के जरिए उन्होंने यहाँ चेन्नई कोर्ट से राबता किया, रुजू किया और यहाँ से अबूरी जमानत हासिल करने के बाद मुतालिका अदालत में भी गए और इसी अबूरी जमानत पर इनके दलाइल यहाँ जारी थे, जहाँ फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने उनकी जमानत मंसूख की है। तो अभी तक तो इम्कान यही है कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो कौन से साल में रेफरेंस दायर हुई थी शमी, ये रेफरेंस कब दायर हुई है शमी? जी देखिए, तकरीबन इस रेफरेंस को 4-5 माह हो चुके हैं और ये रेफरेंस इस वक्त जेर समाअत भी है एहतसाब अदालत में और शर्जील मेहमान इसमें पेश भी होते रहे और जहां तक यस्टर्न हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा था तो यहां पर भी तमाम पेशियों में वो पेश हुए और इस वक्त भी जो नैब एहतसाब में एहतसाब अदालत में ये रेफरेंस जब भी समाअत हुई है तो शर्जील मेहमान इसमें पेश हुए। जी सिंध हाई कोर्ट ने साबिक वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन को 6.25 अरब रुपए की करप्शन केस में गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। आज सुबह जब समाअत हुई तो उनकी उबरी जमानत को मनसूख कर दिया गया और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी नहीं दी बल्कि उनके वकला की जानिब से एक और दरख्वास्त दायर की गई और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने तक उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन उस दरख्वास्त को भी खारिज कर दिया गया और उसके बाद उस दूसरी दरख्वास्त को मुस्तरद होने के बाद उन्हें एक दफ़ा फिर से गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए गए, लेकिन शर्जील मेमन जो कि इस वक्त भी आहताई अदालत में मौजूद हैं अपने साथियों के हमरा, इसके अलावा कारकुनान भी वहां पर मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के और पीपल्स लॉ फोरम के वकला भी यहां पर मौजूद हैं और तमाम का यही कहना है कि अब और कोई लीगल ऑप्शन नहीं रह जाता है, लिहाजा शर्जील इनाम मेमन को फाइनली गिरफ्तारी देनी होगी, लेकिन वो आहताई अदालत में मौजूद हैं और अभी अदालत का वक्त भी है लिहाजा उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। दूसरी जानब आपको बताएं कि दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं अदालत के वहां पर रेंज कर दी गई है और पूरी अदालत को इर्द गिर्द से रेंजर्स ने घेरा हुआ है। इसके अलावा पुलिस की नफरी भी यहां पर मौजूद है नैब अहलकारों के तावुन करने के लिए और नैब के अहलकार भी यहां पर मौजूद हैं शर्जील इनाम मेमन को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन अब तक शर्जील इनाम मेमन की जानिब से गिरफ्तारी नहीं दी जा रही है। शमील अहमद हमें अपडेट कर रहे हैं। शमील अहमद, इस वक्त आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से रहनुमा शर्जील इनाम मेमन के हमरा मौजूद हैं यहाँ पर? देखिए इस वक्त यहाँ इमदाद पतासी, जाम खान छोरो, नासिर हुसैन शाह, मुकेश कुमार चावला और तैमूर तालपुर जो कि एमपीए भी हैं, ये चारों पांचों अफराद यहाँ मौजूद हैं और जिस वक्त ये फैसला सुनाया गया उसके कुछ ही देर बाद इमदाद पताफी और दीगर जो रहनुमा थे वो शुरू हुए जो कि इस वक्त भी उनके साथ यहाँ आहत अदालत में मौजूद हैं। जी ठीक, शमील अहमद बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।